ठीक दरवाजा मैंने बंद कर दिया तो क्या हो गया? क्यों कहा था तुमने कि चाहे कुछ भी हो जाए छत पर मत आना? बताया तो था वीर, जब लेटर मिला था हम दोनों को तो बताया तो था, डिस्कस तो किया, भूल गए। पर जो तकलीफ मुझे हो रही है उसका क्या? तुम्हारी जान खतरे में थी, जानते हुए भी मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। ये सोच सोच के मेरी हालत खराब है, चाह के भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूं मैं। डर गया था तुम्हें गिरता हुआ देखकर। रिलैक्स, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मेरे लिए भूलना नहीं। अरे पर तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मैं गिरने वाली हूँ। मुझसे अच्छा तो वो डॉलर निकला जिसने लास्ट मोमेंट पे तुम्हारी जान बचा दी और वो हीरो बन गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे तुम्हें इस बात की ज्यादा तकलीफ है कि डॉलर ने मेरी जान बचाई? देखिए क्या है कि जैसा कि अभी सभी दर्शक जानते हैं कि कहानी में बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े मोड़ आ रहे हैं। अभी कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां पर अमृता ने डिसाइड कर लिया कि वो रिया और वीर की शादी होने ही देगी। वो हम चाहते हैं कि अमृता और वीर की शादी हो जाए, किसी तरीके से शादी रुक जाए। अमृता अड़ गई है कि नहीं, मैं ये शादी अब वीर और रिया की ही शादी। जाहिर सी बात है, जब से शुरू हुई है मतलब तब से ही सजोत कौर लगी हुई है कि परिवार एक हो जाए, साझा रहे और प्यार से रहे। तो वो जो अपने बेटे का पहले तो इंतज़ार कर रही थी, अब बेटा आ गया, अब फिर इन दोनों का जो है बात नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने बात करनी शुरू की, नज़दीक आ गए। संजोत कौर का तो खुशी का ठिकाना नहीं है।